हेलो, आज इस वीडियो में निकोला टेस्ला से संबंधित जितने भी इन्वेंशंस जो आविष्कार किए थे उनसे संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जितने भी वीडियो या जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो को भी आप लगातार कंटिन्यू देखें, अगर लगातार देखोगे शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको 100% जो आपका टाइम इसको देखने में खर्च कर रहे हो वो हासिल कर पाओगे, उस टाइम का आप फ़ायदा ले पाओगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे यही है कहना है कि इस चैनल पर आपको वीडियो पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। निकोला टेस्ला जो थे सर्बियाई अमेरिकी आविष्कार, सेरेबियन अमेरिका इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर थे, विद्युत अभियंता और यांत्रिक अभियंता हिंदी बोले तो। ये आधुनिक आपूर्ति प्रणाली मॉडर्न सप्लाई सिस्टम, जो आज के टाइम में मॉडर्न सप्लाई सिस्टम एसी है, उसके डिजाइन के लिए, योगदान के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए ये जाने जाते हैं। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में सिमिलिजैन क्रोशिया में हुआ था। टेस्ला के पिता मिल्टन टेस्ला एक सर्बियाई रूढ़िवादी पुजारी और लेखक थे। इनकी माता जुका मेडिक थी, जिन्होंने अपने खाली समय में छोटे घरेलू उपकरण का आविष्कार किया। टेस्ला माँ के आविष्कारों में रुचि लेने लगे थे। टेस्ला ने 1873 में 4 साल पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। इन्होंने 1880 में एक बुडापेस्ट में टेलीग्राफ कंपनी में काम किया। वही इंजीनियरिंग होगी तो उसके बाद इन्होंने कंपनी, जो टेलीग्राम कंपनी, उसमें इन्होंने नौकरी करना स्टार्ट किया। कुछ समय बाद उन्होंने चीफ इलेक्ट्रीशियन और बाद में उन्हें इंजीनियर से प्रमोट किया गया। वे स्टार्टिंग में तो उसमें चीफ इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है मुख्य मिस्त्री थे वहाँ उस कंपनी में। उसके बाद में उनको एज ए इंजीनियर अपॉइंट कर दिया। जब वे टेलीग्राफ कंपनी में वर्क कर रहे तब उनके माइंड में इंडक्शन मोटर का विचार आया था। उनके दिमाग में विचार आया था कि कोई मोटर हो है, उस मोटर को अपन को तैयार करना है, या उसके बारे में बहुत सारे विचार थॉट उसके दिमाग में भरे हुए थे। लेकिन कई वर्षों तक ट्राई करने के बाद 28 साल की एज में टेस्ला ने अमेरिका के लिए यूरोप छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति को, टेस्ला को, इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई, वहाँ पर इतना लोग नहीं पहचान पाए, अपनी छवि नहीं बना पाए। उन्होंने सोचा क्यों कि ना अपने इस यूरोप कंट्री को छोड़कर दूसरे देश में जाया जाए और अच्छे लोगों की संगति में रहा जाए। तो टेस्ला 1884 में अपनी कम पहचान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहुँचे, और उस समय अमेरिका में थॉमसन अल्वा एडिसन का ज़बरदस्त माहौल था, जो डीसी पर जोर दे रहे थे। टेस्ला एडिसन के पास पहुँचे और उन्होंने हुनर को देखा और काम पर रख लिया। टेस्ला की सहायता से एडिसन के आविष्कार में सुधार हुआ, और उसके बाद में उन्होंने साथ में 1-2 साल वर्क किया। करने के बाद में किसी कारणवश कुछ समय बाद ये दोनों अलग हो गए। बताया जाता है कि व्यापारिक वैज्ञानिक को संबंधित कारण ऐसा हुआ, क्योंकि टेस्ला तो व्यापार, जो साइंटिस्ट व्यापार था उससे रिलेटेड ऐसा कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था, लेकिन कुछ व्यापारिक वैज्ञानिक संबंध कारण ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने जब काम पर रखा तो उन्होंने सैलरी का डिमांड किया, और सैलरी डिमांड किए तो टेस्ला ने वो सॉरी थॉमसन अल्वा एडिसन ने उन्होंने सैलरी देने से मना कर दिया। इस वजह से दोनों अलग हो गए। एडिसन उस समय पावरफुल मैन थे, जो मार्केटिंग और फाइनेंशियल सक्सेस पर ध्यान देते थे। एक तो पावरफुल आदमी थे क्योंकि वह मार्केटिंग उसकी अच्छी थी, और फाइनेंशियल पैसे वैसे का सब कुछ उनका अच्छे पास जुगाड़ था उनके साथ, उनके पास में। उस समय टेस्ला कमर्शियल से आउट ऑफ टच थे, मतलब व्यवसाय से संबंधित, एक बिजनेस संबंधित वो क्या है, टच संपर्क से बाहर थे। 1885 में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी के लिए फंड लिया। 1885 में टेस्ला ने इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी के लिए क्या लिया, फंड लिया। जिनसे इन्होंने फंड लिया था उन्होंने इसके टास्क दिया, उनको एक टारगेट दिया कि आपको एक बेटर आर्क लाइटिंग विकसित करनी है। जब टेस्ला ने आर्क लाइटिंग का पूर्ण किया तो फंड धारकों ने उन्हें कंपनी से आउट कर दिया, क्योंकि मिली भगत थी उस समय थॉमसन अल्वा एडिसन, उस व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देख पाना कठिन हो रहा था, और उन्होंने अपने सक्सेसफुल करियर में उनको इस तरह नीचे गिराने का एक प्लानिंग की। कहा जाता है कि टेस्ला 1 साल तक लेबर की तरह कार्य किया, उन्होंने लगातार 1 साल तक लेबर की तरह कार्य किया अपने पेट के पालने के लिए।
इसके बाद 1837 फिर भगवान ने उन्हें मौका दिया और एक न्यू टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए फंडिंग फिर मिली उन्होंने। और मिलने के बाद उन्होंने ये जितने भी नीचे दे रखे हैं 1887 के बाद उन्होंने आविष्कार की बौछार लगा दी। एसी, अल्टरनेटिंग करंट, टेस्ला कॉइल, रिमोट कंट्रोल, वायलेट रे, टेलीफोर्स, टेलीजियो डायनामिक्स, टेस्ला ऑसिलेटर, इंडक्शन मोटर, नियॉन लैम्प, टेस्ला वाल्व, थ्री फेज इलेक्ट्रिक पावर, वायरलेस टेलीग्राफी, टेस्ला टर्बाइन, वैक्यूम टर्बाइन, कैपेसिटर, वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम, इन सब चीज़ों का इन्होंने आविष्कार कर डाला। टेस्ला के दो जगह नेशनलिटी प्राप्ति, एक तो ऑस्ट्रेलिया में, एक अमेरिकन। इन्होंने कुल 300 पेटेंट किए थे। टेस्ला के 26 देशों में मिनिमम 278 पेटेंट जारी किए थे, 278 पेटेंट जारी किए थे इन्होंने। टेस्ला ने अन्य क्षेत्र में कार्य किए लेकिन उन्हें पेटेंट नहीं किया, वे गुप्त रहे। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो कैंडिडेट टेस्ला अगर जो गुप्त में रखे हुए पेटेंट उनको जारी कर देता, आज हमारा संसार, हमारे प्रति हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी बहुत आगे होती और हमारा देश बहुत ज़्यादा विकास कर रहा होता। लेकिन कुछ उसमें सरकार उनको गुप्त रखने की वजह से कुछ ऐसे थे, अपवाद थे जो हमारे लिए हानिकारक थे, इस कारण उन पेटेंटों को उन्होंने गुप्त में रखा। निकोला टेस्ला को जो अवार्ड मिले थे वो थे जोहन स्कॉट लेगेसी मेडल एंड द प्रीमियम, ये 1934 में मिले। IEEE एडिसन मेडिकल मेडल, एलियट क्रेसन मेडल, IEEE निकोला टेस्ला अवार्ड, ये सब अवार्ड इनको मिले। और अवार्ड तो और भी थे लेकिन मेन अवार्ड जो आपको मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। इनकी मृत्यु 7 जनवरी 1943 में हुई हार्ट अटैक के कारण, और उस वर्ष क्रिसमस डे साल था, तो उनकी मृत्यु 7 जनवरी 1943 में हुई। तो स्टूडेंट, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।